दोस्तों नमस्कार। आज हम आपको जानकारी देंगे पुलिस भर्ती संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जानकारी शुरू करें उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको नई नई जानकारी जॉब न्यूज़ उपलब्ध हो सके। तो शुरू करते हैं, क्या नई जानकारी है, क्या न्यूज़ है। तो न्यूज़ ये है कि 5,500 कांस्टेबलों की भर्ती होगी, आवेदन इसी माह। हमने चैनल पर पहले ही बताया था कि 13,000 की कोई न्यूज़ नहीं है, न्यूज़ सिर्फ 5,500 की है। और वही सच हो रही है आज कि 5,500 कांस्टेबलों की भर्ती होगी, आवेदन इसी माह है, इसी महीने आवेदन होंगे। पहली बार ऑनलाइन, खास बात यह है कि इस बार परीक्षा है जो ऑनलाइन होगी और आयोजन नवंबर में हो सकता है। ये न्यूज़पेपर की एक न्यूज़ है, उसके अनुसार हम आपको बता रहे हैं। तो ऑनलाइन एग्जाम संबंधी हम मॉक टेस्ट की सीरीज जारी करेंगे, आपको बताएंगे कैसे करना है, कैसे ऑनलाइन टेस्ट होता है। तो उससे संबंधित जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे वाले आइकन को जरूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन मिल सके। तो ये न्यूज पढ़ते आगे। प्रदेश में कांस्टेबलों के 5,500 पदों के लिए प्रक्रिया इसी सप्ताह से शुरू हो जाएगी। यह परीक्षा पहली बार ऑनलाइन होगी। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन सितंबर के आखिरी सप्ताह से किए जा सकते हैं। परीक्षा नवंबर या दिसंबर में होगी। इन 5,500 पदों में जयपुर कमीशन में करीब 450 पद होंगे, महाराणा प्रताप बटालियन प्रतापगढ़ में 700 पद भी शामिल हैं। एडीजी हेडक्वार्टर जंगा श्रीनिवास राव ने बताया कि भर्ती का विज्ञापन जल्द ही जारी होगा। ये कुछ और नोट हैं। बना रहेगा 75,000 प्रश्नों का बैंक, बना रहे हैं 75,000 प्रश्नों का बैंक, 120 प्रश्न आएंगे, 75,000 प्रश्नों का ये संग्रह कर रहे हैं, उनमें से 120 प्रश्न प्रत्येक पारी में आएंगे। पुलिस मुख्यालय ने इसी ने पहली बार हो रही ऑनलाइन भर्ती के लिए एजेंसी को हायर किया है, एजेंसी की किया है कोई एजेंसी करीब 75,000 प्रश्नों का बैंक तैयार कर रही है। ये कोई 1,500 नहीं, 75,000 क्वेश्चन तैयार किए जा रहे हैं। परीक्षा में 120 प्रश्न आएंगे, नेगेटिव मार्किंग होगी, एक दिन में 3 सेशन में परीक्षा होगी, किसी भी अभ्यर्थी का प्रश्न रिपीट नहीं होगा। महत्वपूर्ण बात, किसी अभ्यर्थी का प्रश्न रिपीट नहीं होगा, यानी कि एक बार जो प्रश्न आ गया वो दोबारा नहीं आएगा इस मान लो ऑनलाइन में। तो ऑनलाइन परीक्षा के लिए पुलिस मुख्यालय मॉडल पेपर तैयार करेगा, जिससे अभ्यर्थी परीक्षा से पहले एक मॉडल पेपर तैयार किया जाएगा विभाग द्वारा, जिसकी जानकारी वेबसाइट पर करा देगी पुलिस मुख्यालय की वेबसाइट पे। और ये कैसे करना है इसके बारे में हम आपको जानकारी दे देंगे। और एक इससे संबंधी और महत्वपूर्ण न्यूज़ है, वो भी देखिए आप, इसमें कुछ संशोधन किए गए हैं। ये संशोधन किए गए राजस्थान सरकार का ये 5-9 का ये नोटिफिकेशन है। तो इसमें महानिदेशक पुलिस राजस्थान जयपुर को लिखा गया कि कांस्टेबल भर्ती 2017-18 के संबंध में ये लेटर है, ये कोई पत्र क्रमांक था। इसके अनुसार है, मुद्दे उपरोक्त विषय पत्र में क्रम में आपकी प्रश्न आगामी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा दक्षता परीक्षा के अंतर्गत 10 किलोमीटर दौड़ के स्थान पर 5 किलोमीटर दौड़ रखे जाने एवं दौड़ के अंकों का समय के आधार पर निम्नानुसार विभाजन किया जाने की सहमति स्वीकृति, यानी कि 10 की जगह 5 किलोमीटर दौड़ होगी। और इसमें कुछ नियम दे रखे हैं किस तरह से, ज़्यादा पहले शायद ऐसा नहीं था। अब देखो, नंबर एक, फॉर मैन के लिए 5 किलोमीटर 20 मिनट एंड लेस देन 20 मिनट से पहले करता है तो उसको 15 में से 15 अंक दिए जाएंगे, यानी कि दौड़ 15 अंक के। और कोई 22 मिनट लगाता है 20 से 22 तो 10 दिए जाएंगे, और 22 से 25 लगाता है तो उसे 5 अंक दिए जाएंगे। ये फॉर्मूला क्या है, यानी कि बढ़िया कोई दौड़ने वाला है तो उसको इसकी निश्चित रूप से छूट मिलेगी। और फीमेल के लिए है 26 मिनट लेस 26 मिनट के लिए 15, इनमें टाइम ज़्यादा दिया हुआ है, 26-28 के लिए 10। अब वो ये एक्स सर्विस मैन के लिए 5 किलोमीटर की दौड़ होगी, वही सभी में 5-5 की है, लेकिन इसमें मिनट का समय बढ़ा दिया है, 25 मिनट का दिया है 15। और अप टू 26 से 30 10 और 26, ये साफ दिखाई नहीं दे रहा है कुछ, 26.30, हाँ 26.30। अब वो 26.30 से शायद 28 है 5 नंबर, यह स्वीकृति सक्षम स्तर से, यानी कि यह स्वीकृति है
जो मिल चुकी है, इस तरह का कुछ होगा पैटर्नर। हम आपको इससे संबंधी और भी जानकारी देते रहेंगे, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।